नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है चलिए इसे प्रैक्टिकली जानते हैं so, default, हमारे पास दो होंगे, class. Class का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो चाइल्ड क्लास को अवेलेबल रहता है चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक क्लास क्रिएट करता अभी मैं इसमें पास लिख देता हूं एक और क्लास क्रिएट करता हूं क्लास सन इस सन क्लास को मैं इनहेरिट करता हूं फ्रॉम द फादर क्लास इसमें भी मैं पास लिख देता हूं चाइल्ड क्लास फादर को इनिशियलाइज करने के लिए फादर क्लास के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा सो कंस्ट्रक्टर मींस इनिट मेथड सो डेफ इनिट फर्स्ट आर्गूमेंट होगा सेल्फ फर्स्ट मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा प्रिंट फादर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है देन एक वेरिएबल मैं इनिशियलाइज करूंगा सेल्फ डॉट व्हीकल सो दिस इज अ व्हीकल ऑफ फादर इट इज नथिंग बट स्कूटर सो जब भी फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड फादर क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाएगा विद दिस वेरिएबल बट फादर क्लास के पास ये कंस्ट्रक्टर है एंड सन क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है देन फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेगा टू द सन क्लास कंस्ट्रक्टर लेट्स सी एन एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सन क्लास ऑब्जेक्ट सो सन क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है एंड यस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए सो पाइथन इंटरप्रिटर सबसे पहले सन क्लास के पास जाएगा इन सर्च ऑफ कंस्ट्रक्टर सन क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है देन पाइथन इंटरप्रिटर सन क्लास का जो पेरेंट क्लास है विच इज नथिंग बट अ फादर फादर के पास जाएगा बोलेगा कि कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा फॉर द सन ऑब्जेक्ट सो फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर द सन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू कैन सी हियर सो आफ्टर क्रिएशन लेट्स चेक द कंटेंट ऑफ यस ऑब्जेक्ट यस डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर डिट इसमें एक वेरिएबल बनेगा विच इज नथिंग बट व्हीकल इसकी वैल्यू होगी स्कूटर सो बाय डिफॉल्ट फादर का जो व्हीकल है वो सन को मिल जाएगा सो so, डेस्कटॉप पे प्रोग्राम है प्रोग्राम को मैं रन करता हूं पाए फाइल का नाम है सेकंड डॉट हिट एंटर यू कैन सी फादर कंस्ट्रक्टर कॉल सो द सन ऑब्जेक्ट क्रिएशन बिकॉज सन इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ द फादर सो फादर इज पैरेंट क्लास तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा अगर चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो देन इसमें एक वेरिएबल बना व्हीकल इट हैज वैल्यू स्कूटर लेकिन कंसीडर अब सन क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है सो so, मैं सेम कंस्ट्रक्टर सन क्लास में डिफाइन करता हूं यहां पे फादर की जगह पर लिख देता हूं सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड व्हीकल की जगह पर लिख देता हूं बीएमडब्ल्यू सो सन के पास अब बीएमडब्ल्यू है सो so, जब सन ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ना कि यह कंस्ट्रक्टर क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सन के पास अगर कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड क्लास के पास अगर कंस्ट्रक्टर है तो फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर द सन ऑब्जेक्ट सो सन ऑब्जेक्ट बन रहा है पाइथन इंटरप्रिटर सन क्लास के पास आएगा बोलेगा कि कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है सन क्लास बोलेगा जी हाँ मेरे पास कंस्ट्रक्टर है इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करो सन कंस्ट्रक्टर कॉल प्रिंट होगा आउटपुट विंडो में एंड ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा विद वैल्यू बी चलिए इसे रन करके देखते हैं सो यू कैन सी हियर सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल एंड वेहीकल ऑफ बीएमडब्ल्यू है क्योंकि सन के पास कंस्ट्रक्टर है सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवर सपोज आपके पास पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी फॉर द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट देन दैट ऑफ फादर क्लास कंस्ट्रक्टर सो इस वीडियो को फाइनल कर देता हूं सपोज आपके पास पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास है चाइल्ड क्लास के पास अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए पैरेंट का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहेगा लेकिन अगर सन के पास खुद का कंस्ट्रक्टर है तो सन के कंस्ट्रक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी फॉर सन क्लास ऑब्जेक्ट दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवर राइडिंग कंस्ट्रक्टर इस कंस्ट्रक्टर को ओवर कर रहा है अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं दोनों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर सकता हूं फॉर दिस यस ऑब्जेक्ट यस yes, आप कर सकते हैं इसके लिए आपको सुपर मेथड का यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सुपर मेथड क्या होती है एंड कैसे सुपर मेथड का यूज किया जाता है इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम